बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग का, कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का 7वां पाठ, संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय, सिद्धि अर्थात सफलता प्रदान करने वाला होता है। अगर हम कोई कार्य दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य सफल होते हैं। तो यहाँ पे पार्वती और शिव के माध्यम से इस बात को बताया गया है। तो शुरू करते हैं 7वां पाठ, संकल्प सिद्धिदायक। ये संवाद के रूप में लिखा गया पाठ है और इसमें पार्वती और उसकी सखी विजया और उनकी माता मेना, इनके वार्तालाप को इसमें, और वटु और शिव, इन सब के वार्तालाप को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर कोष्ठक में लिखा हुआ है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतद अर्थम, यहाँ पे एतत और अर्थम, ये दो पद है, एतत और अर्थम। तो यहाँ पे त जो है वो द में परिवर्तित हो जाता है, तो एतद अर्थम बना है, ये बन जाएगा दोनों मिलकर एतद अर्थम, और इसका अर्थ है इसके लिए, अर्थात शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, वह अपने मनोरथ, अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को मात्रे यानी माता से न्यवेदयत यानी निवेदन किया। तत् श्रुत्वा माता मेना, और यह सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई, परेशान हो गई। चिंताकुला यानी कि चिंतित हो गई, परेशान हो गई। तो इस तरह से पार्वती के इस प्रतिज्ञा से, उनके इस दृढ़ निश्चय से कि वो तपस्या करना चाहती हैं, वो अपने मन की बात जब उनकी माता सुनती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। चिंताकुला, चिंताकुला का अर्थ होता है परेशान। परेशान, चिंतित। अब मैना जो है उनकी माता, माँ जो है पार्वती जी की, वो कहती हैं कि वत्से हे पुत्र, मनीषिताह देवता, मन मनो इच्छित, इच्छित देवता गृहे एव संति, घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। तव शरीरम सुकोलम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमलम बहुत ही कोमल वर्तते मतलब है। गृहे एव वस, घर में ही रहो, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव यहीं पर, तवाभिलाषः तुम्हारी अभिलाषा सफला भविष्यति सफल होगी। पार्वती कहते हैं कि अम्ब तादृशः अभिलाषः तु, तादृशः मतलब वैसा, अभिलाषा मतलब इच्छा, तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तो तपस्या से ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, नहीं तो तादृशं मतलब वैसा पतिम पति कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त होगा। अहम तपह एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है। तो वो कहती हैं पार्वती कि वैसे पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या ही करना होगा, नहीं तो
उसे कैसे प्राप्त करेंगे और मैं उसके लिए तपस्या करूंगी, ये मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। मेना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। तो पार्वती कहती हैं कि सत्यम, सत्य है, परम मन मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम मम मनः, परंतु मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलितम का अर्थ होता है आकुलितम, आकुलितम का अर्थ है परेशान है, व्याकुल है, परेशान या व्याकुल। तो मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, परेशान है। सिद्धिम प्राप्य पुनः, सफलता प्राप्त करके, सिद्धि यानी कि अपने उद्देश्य को सिद्ध करके, प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। पुनः मतलब फिर से, तवैव तव एव तुम्हारे ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आऊँगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्य और एव मिलकर अद्यैव हुआ है, अद्य प्लस एव अद्यैव, अद्यैव का अर्थ होता है आज ही, एव का अर्थ होता है ही और अद्य का अर्थ होता है आज, आज ही अद्यैव विजयया साकम, विजया के साथ जो पार्वती की सखी हैं, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और फिर पार्वती निकल जाती है, निष्क्रामति निकल जाती है, यहाँ पर निष्क्रामति, निष्क्रामति निकल जाती है, निष्क्रामति निकल जाती है पार्वती वहाँ से, ततः मतलब वहाँ से निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, पार्वती मन वचन और कर्म से, तपह एव तपति इस्म, तपस्या ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ, कभी रात में, स्थंडिले खाली जमीन पर, कदाचित च शिलायाम स्वपिति इस्म, और कभी शिलायाम यानी कि पत्थर पर, स्वपिति इसमें, स्वपति इस्म यानी कि सो जाती थी, तो कभी वो शिला पर और कभी पत्थर पर सो जाती थी। और एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी, तपह प्रभावात, तपह प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशुओ अपि, हिंसक पशु भी, तव सखायह जाता, तुम्हारे मित्र हो गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपह, और पंचाग्नि व्रत भी जो है तुमने कर लिया, तपस्या की। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पूरी नहीं हुई। पार्वती, अई विजय, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी यानी कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो धैर्य को न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं, परित्यजति छोड़ते हैं और न परित्यजति, परित्यजति यहाँ पे न अगर हम लगा देते हैं, न परित्यजति नहीं छोड़ते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं।
धैर्यम न परित्यजति, अपि च और भी मनोरथानाम अगतिः अस्ति, मनोरथानाम अगतिः नास्ति, और मनोकामनाओं की कभी अगति नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर पार्वती कहती हैं कि हम धैर्य रखना चाहिए, कभी भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपना धैर्य नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। विजया कहते हैं कि त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद का अध्ययन किया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन किया, तपः कारणात् और तपस्या के कारण से जगति तव प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इसी नाम से त्वम यानी कि तुम, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हुई, पत्ता जिसमें पत्ता भी न खाया हो, अपर्णा जिसने पत्ता भी न खाया हो, ऐसे अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, और फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर विजया कहती है कि अगर इस तरह से यहाँ पर तुमने इतनी सारी चीज़ें की, यज्ञ किया, तप किया और पत्ता तक नहीं खाया, तो इसके बाद भी तुम जो हो, तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुम्हें अपना जो है तपस्या का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। पार्वती कहती है कि अइ आतुर हृदय, हे आतुर हृदय, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो, नैपथ्य, और तभी नैपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि अइ भो, हे अरे, अहम आश्रम वटु, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम वटु ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। स संभ्रमम, और वह घबराती हुई, विजय पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, विजया पश्य मतलब देखो, यहाँ पर पश्य आया है, पश्य का अर्थ होता है देखो, पश्य देखो। तो वो कहती है कि पश्य देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है, कोई वटु आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया झट से आती है, तुरंत आती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और सहसा ही वटु रूप धारण किए हुए, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत, शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटु स्वागतम ते, विजया कहती है हे वटु, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठिए आप, बैठिए, उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र मतलब यहाँ तपस्या कर रही है। वटु कहता है कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, यहाँ पे क्रियार्थम यानी तपस्या के लिए, क्रियार्थम ये जो है यहाँ पे शब्द आया है, तप के लिए क्रियार्थम, क्रियार्थम का अर्थ है तप के लिए या तपस्या के लिए। यहाँ पे तप, किम क्रियार्थम, क्या तप के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजा का उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल है, सुलभ है अर्थात मिल जाएगा। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म का साधन है। यानी कि अगर हम, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे जो है ये सब कार्य करेंगे।
पार्वती तुष्णीम तिष्ठति। ये सब बातें सुनकर पार्वती चुपचाप बैठी रहती हैं। वटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपह तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से, तुष्णीम मतलब चुपचाप, तिष्ठति मतलब बैठती है। विजया आकुली भूय यानी कि व्याकुल होकर, परेशान होकर, आम, हाँ, तस्मै एव तपह तपति, उसके लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, और वटु रूपधारी यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में वो शिव सहसैव अचानक ही उच्चैः उपहसति, जोर से हंसते हैं। वटु कहता है कि अई पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, ये क्या सच है कि तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नामना शिवः, नाम तो शिव है, अन्यथा अशिवः, नहीं तो वो अशिव हैं, यानी कि अकल्याणकारी। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और अशिव का अर्थ होता है जो कल्याणकारी ना हो। तो केवल वो वटु कहता है कि वो तो केवल नाम के शिव हैं, वैसे तो वो अशिव हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, तो उनके त्रीणि नेत्राणि यानी कि तीन आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसन यानी कपड़े, व्याघ्र चर्म बाघ के जो है वो चमड़े हैं। अंगराग चिताभस्म, और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो है वो चिताभस्म यानी कि चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिजन यानी रिश्तेदार भूतगणा, भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को, उस शिव को ही पति रूप में चाहती हो? पार्वती, अब पार्वती कहती हैं कि क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, हे वाचाल, वाचाल कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको वाचाल कहते हैं। तो पार्वती कहती हैं कि अरे वाचाल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। तो अरे वाचाल, और फिर उसके बाद कहती हैं कि अप्सर, अप्सर मतलब दूर हो जाओ, अप्सर का अर्थ होता है दूर हो, यानी कि यहाँ से चले जाओ, अप्सर दूर हो। जगति न को अपि, जगति मतलब संसार में, न को अपि कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानाति मतलब जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो तथैव वदसि, वैसा ही वदसि मतलब बोल रहे हो। वद धातु का अर्थ होता है बोलना। विजयां प्रति, अब विजया के प्रति पार्वती कहती हैं, सखी चल, सखी चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तो पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है, एव होता ही है, यह श्रृणोति, और जो सुनता है, यहाँ पे श्रृणोति पद आया है, श्रृणोति, श्रृणोति का अर्थ होता है सुनता है, श्रृणोति सुनता है, और जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या, पार्वती तेज गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः, और वहीं पर पीछे वटुः रूपं परित्यज्य, और उस समय वटु का रूप छोड़कर शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, शिव उनका हाथ, गृह्णाति मतलब पकड़ लेते हैं। जैसे ही पार्वती जाने के लिए
मूर्ति है, पार्वती पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्म से, लज्जा से जो है वो कांपने लगती है। शिवा, और शिव कहते हैं पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी तपस्या से प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, अहम तव तपो भी, मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा कृत दासो अस्मि, खरीदा गया दास हूँ, सेवक हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती, और नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती विहसती मतलब हंसती है। तो इस तरह से ये पाठ है, और इसमें पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, और इसी का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो इसके बाद हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्न को करेंगे, जिसमें कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, और पठति स्म। और दूसरा है यहाँ पर, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूर्यत। इसमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम ये लिखा हुआ है यहाँ पर शीर्षक, और एक उदाहरण देकर बताया गया है, यथा वसति स्म, वसतः स्म, वसंति स्म। तो यहाँ पर इसी के अनुसार हमें आगे का भी बदलना है, जिसमें कि पूज्यति स्म लिखा हुआ है एक वचनम का, और उसके बाद हमें आगे खाली जगह में बदल के लिखना है। तो पूज्यति स्म है तो द्विवचन में पूजयतः स्म हो जाएगा, पूजयतः स्म, और बहुवचन में हो जाएगा पूजयन्ति स्म। और फिर यहाँ पर जो अगला दिया हुआ है, रक्षतः स्म, द्विवचन लिखा हुआ है तो हम लोग को एक वचनम और बहुवचनम लिखना है। तो एक वचनम में हो जाएगा रक्षति स्म, और बहुवचन में हो जाएगा रक्षन्ति स्म। और फिर है यहाँ पर अगला, चरति स्म लिखा हुआ है, और यहाँ पर चरति स्म लिखा है, हम लोग को द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो चरति स्म से चरतः स्म द्विवचन हो गया, और चरन्ति स्म बहुवचन हो गया। और फिर अगला, कुर्वन्ति स्म लिखा हुआ है, तो कुर्वन्ति स्म में यहाँ पे कुर्वन्ति बहुवचन होता है, तो यहाँ पे हम लोग को एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो इसमें करोति स्म और कुरुतः स्म हो जाएगा, करोति स्म और कुरुतः स्म। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ख में दिया हुआ है कि प्रथम पुरुषः अकथयत, तो ये लंग लकार का प्रयोग है, और इसमें जो ऊपर लट लकार का प्रयोग करके उसे भूतकाल का रूप बनाया गया था, और यहाँ पर लंग लकार में किस तरह से लिखते हैं ये बताया गया। तो पहला है अकथयत, अकथयताम, अकथयन, एक वचन में अकथयत, द्विवचन में अकथयताम, और बहुवचन में अकथयन। और इसी तरह से यहाँ पे दूसरा खाली जगह दिया हुआ है एक वचन का, और अगला लिखा है अपूजयताम, अपूजयन, तो दूसरे के ख में अपूजयत हो जाएगा एक वचन में अपूजयत। और फिर यहाँ पे दिया है अरक्षत, अरक्षत दिया है, तो अरक्षताम हो जाएगा द्विवचन में, अरक्षण हो जाएगा बहुवचन में, तो अरक्षताम और अरक्षण। तो ये जो है अरक्षताम, अरक्षण। और फिर है यहाँ पे दूसरे का ग, दूसरे का ग हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो दूसरे के ग में दिया है अवसह, ये मध्यम पुरुष का रूप दिया है, इससे पहले जितना भी था वो प्रथम पुरुष का था,
और अब यहाँ पर मध्यम पुरुष का रूप दिया हुआ है और एक उदाहरण दिया हुआ है अवसह अवसतम अवसन अवसत। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष में अपूजयतम लिखा हुआ है तो एक वचन में इसका रूप हो जाएगा अपूजयः अपूजयः और अपूजयत बहुवचन में हो जाएगा। और फिर अचरत रूप दिया है बहुवचन का तो उसमें एक वचन में हो जाएगा अचरः और द्विवचन में हो जाएगा अचरतम। और फिर है यहाँ पर घ वाला घ वाले में उत्तम पुरुष का प्रयोग दिखाया गया है तो यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग जो है एक उदाहरण दिया है अपठम अपठाव अपठाम। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में एक दिया है अलिखत अलिखम तो अलिखाव अलिखाम हो जाएगा अलिखाव द्विवचन में और अलिखाम बहुवचन में हो जाएगा। और फिर है अरचयाव रच धातु से अरचयाव लिखा हुआ है तो एक वचन में अरचम अरचयम हो जाएगा यहाँ पर अरचयम अरचयम और फिर हो जाएगा अरचयाव अरचयाव और अरचयाम। अब तीसरा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे पहला प्रश्न तपः प्रभावात् के सखायः जाताः उत्तर तीन है ये तपः प्रभावात् तपस्या के प्रभाव से के सखायः जाताः कौन मित्र बन गए तो हिंस्र पशु यहाँ पर हिंस्र पशु। और फिर है ख पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई तो गौरी शिखरम। और ग है कह शमशाने वसति कौन शमशान में रहता है तो शिव शिव। और फिर है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई पार्वती। और फिर है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत वटु के रूप में वन में कौन प्रवेश किया शिवा। तो ये है एक पदेन उत्तरत प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। और अब है चौथा कह का कम काम प्रति कथयति कौन किससे कहा तो इसमें वत् से तपह कठिनम भवति तो ये माता कहती है पार्वतीम से। और अब क है इसमें उत्तर चार उत्तर चार का क है अहम तपह एव चरिष्यामि मैं तपस्या ही करूँगी तो ये पार्वती कहती है मेनाम पार्वती मेनाम मेना से। और ख में है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं पार्वती विजयाम पार्वती विजयाम। और फिर है अपर्णा इति नामना एव प्रथिता अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हुई विजया कहती है पार्वती से विजया पार्वती। शरीरम माध्यम अभंग है घ है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन पार्वती मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ तो वटुः पार्वतीम
नहीं, शिवः पार्वतीम, शिव कहते हैं पार्वती से, शिवः पार्वतीम। और फिर है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है। वटु कहता है पार्वती से, वटुः पार्वतीम। और फिर है च अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया दास हूँ, शिवः पार्वतीम, शिवः पार्वतीम। तो इस तरह से यहाँ पर शिव पार्वती को कहते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और अगले प्रश्न में यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत दिया हुआ है, और अभी इसमें 5, 6, 7 प्रश्न हैं इसमें। तो आज हम लोग इस पाठ का इतना ही प्रश्न करेंगे, प्रश्न 4 तक, और इसके बाद के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।